हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, जब हमें और हमारे बच्चों को नमकीन खाने का मन करता है तो हम बड़ी आसानी से मार्केट से मंगा लेते हैं, पर क्या हुआ, नमकीन हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों ना हम नमकीन अपने घर में ही बना लें और इसे घर में स्टोर करके रखें, ताकि जब हमें खाने का मन करे तो हम उसे खा सकते और हमारा सेहत भी सही रहे। तो फ्रेंड, मैं आज अलग तरह का नमकीन बनाऊंगी जो बहुत हेल्दी होगा। इसके लिए मैं चावल लूंगी, एक बाउल चावल लूंगी, क्योंकि चावल का आटा बनाना है। आप चावल का आटा मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए, मैं इसे पानी में भिगो देती हूँ। भिगोने के बाद एक घंटा रखेंगे, उसके बाद मैं ड्राई होने के लिए रखी हूँ। इधर तब तक एक बड़ा सा आलू को बॉयल करके, ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, उसे हल्का बॉयल करके इसे कद्दूकस कर देंगे, क्योंकि हमें चावल के आटे में मिलाना है, इसीलिए कद्दूकस करेंगे, नहीं तो गिल्टी रह जाएगा। अब इधर हम लोग कढ़ाई को गर्म करेंगे, क्योंकि मसाला बनाना है। तेल डालेंगे एक चम्मच, उसमें हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ड्राई धनिया लीफ डालूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कैसे बनाते हैं इसे, आप देख लीजिएगा। अब आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें हम लोग करीबन 2 कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें अब हमें चावल का आटा है उसे पकाना है। तो देखिए, पूरा हम लोग इसमें डाल दे रहे हैं चावल का आटा को, और धीरे धीरे करके मिलाते मिलाते इसे फ्राई करेंगे। इसे हमेशा चलाते रहना है, नहीं तो ये गिल्टी बन जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से हम लोग फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा चावल फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से। ये देखिए, अलग अलग बिल्कुल हो गया है। अब इसे गैस बंद करने के बाद आधा घंटा छोड़ देंगे। अब देखिए, हम लोग बाहर निकाल दिए हैं। अब इसमें हम लोग कद्दूकस किया हुआ आलू मिलाएंगे, स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसे गूंथ लेंगे। इसे आटे की तरह पूरा मिक्स करेंगे, मिला लेंगे। इसमें हम लोग आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखिए, हमारा गूंथ के आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसे जिस शेप में भी फ्राई करना है वह शेप देंगे। मैं यहाँ लंबा लंबा शेप दे रही हूँ कुरकुरे की तरह। हथेली पे तेल लेंगे ताकि हाथ पे सटे नहीं, और थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसे लॉन्ग शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से बहुत क्रिस्पी भी बनता है और हल्का तीखा है, तो टेस्ट भी आता है खाने में, बिल्कुल कुरकुरे की तरह। तो चलिए, इस तरह का शेप मैं पूरा बना लेती हूँ। और कढ़ाई में अब हम लोग तेल को डाल के इसे गरम करेंगे। देखिए, तेल गरम हो चुका है। अब हम लोग डीप फ्राई करेंगे तेज आंच पे। आंच को कम नहीं रखेंगे, नहीं तो ये सट जाता है, अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि चावल का है। और जब तक रेड ना हो जाए तब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, हल्का ब्राउन होने दे, उसके बाद ही इसे हम लोग पलटेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, अब हम लोग इसे निकाल देंगे। फ्रेंड, हम लोग बाहर में इसमें चाट मसाला और रेड चिली पाउडर भी अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक से कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।